हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। बिहार के सभी जिलों में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर नया पोषाहार का सिस्टम लागू होने वाला है। जी हां, सप्ताह में 4 दिन मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को जो है दो दो दिनों के हिसाब से जो है अलग अलग हिसाब से वहां पर 3 से 6 वर्ष के बच्चे जो आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर रजिस्टर्ड है, जो स्कूल पर शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, जिनको पोषाहार बनाकर केंद्र पर खिलाया जाता है, उनके लिए बच्चों के लिए जो है योजना ये लागू होने वाली है। तो किस प्रकार क्या करना होगा, और सबसे बड़ी बात, भले ही खबर प्रकाशित हो चुकी है, लाभार्थियों को जानकारी दी जा रही है कि बुधवार गुरुवार को ये मिलेगा, शुक्रवार सोमवार को ये मिलेगा, लेकिन ये चीजें कब से मिलेंगी और कब तक लागू होंगी, इसके बारे में डिटेल में आगे चलते हैं। वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में 4 दिन का विशेष पोषाहार के संबंध में जो खबर है उसके बारे में नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले ही आया हुआ था, मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था, लेकिन अब लाभार्थियों के लिए न्यूज़पेपर में ऐसी खबरें प्रकाशित हो रही है। पूर्णिया जिले से खबर निकल के सामने आ चुकी है। लिखा गया योजना मंगलवार व शुक्रवार को मिलेगा दूध, यहाँ पर लिखा गया है बुधवार व शुक्रवार को मिलेगा अंडा, यहाँ पर मंगलवार और गुरुवार होगा, मिस टाइप यहाँ पर कर दिया गया, गलती से टाइप हो, यहाँ पर मंगलवार और गुरुवार को जो है सप्ताह में 2 दिन दूध देना है और बुधवार शुक्रवार को अंडा देना है। अब ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं कि अगर आप लाभार्थी वीडियो देख रहे हैं तो दौड़ करके अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर जाइए और अपने बच्चे के लिए दूध या अंडा मांगिए, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें तभी मिलती है जब इसका आवंटन जो है आंगनबाड़ी केंद्र पर प्राप्त होता है, जब इसका पैसा प्राप्त होता है, जब दूध का पैकेट प्राप्त होता है, तब जाके ये लाभ मिलता है, अन्यथा ये लाभ मिलने में देरी भी हो जाती है। बड़ा शीर्षक है कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 साल के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन दिए जाएगा अंडा और उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पूर्णिया जिले की खबर है, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी, आई होप आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लिखा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल के बच्चों के स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए नामांकित बच्चों में कुपोषण दूर करने तथा समुचित पोषण उपलब्ध करवाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को नाश्ता के रूप में अंडा व मूंगफली देने का फैसला लिया गया है। जल्द ही सभी पूर्णिया जिले के सभी 3,433 केंद्रों पर 3 से 6 साल के बच्चों को नाश्ता में अंडा व मूंगफली देने का काम शुरू हो जाएगा। लिखा गया है कि काम शुरू हो जाएगा, इसको लेकर विभाग के द्वारा जिले के सभी परियोजनाओं को राशि आवंटन भी कर दिया गया है, यानी राशि आ चुकी है। DPO ICDS रानी श्रीवास्तव ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती धात्री महिलाओं के हिसाब से कई प्रकार के लाभार्थियों को लाभ दिया जाता है। विभाग के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त करने वाले नामांकित बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए जो है व्यवस्था के लिए जो आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को नाश्ता के रूप में अंडा या मूंगफली देने का फैसला किया गया है। पहले भी अंडा का दर जो है कम निर्धारित होने के कारण योजना जो है क्रियान्वित नहीं हो सकी थी, यानी पहले अंडा का रेट कम दिया जाता सरकार की ओर से। इसके बाद विभाग द्वारा सभी जिलों से दर को लेकर प्रस्ताव भी मांगा गया था। जिलों से भेजे गए प्रस्ताव के बाद विभाग के द्वारा जो है देने का प्रस्ताव मंजूर देते हुए सभी परियोजनाओं को राशि भी आवंटित कर दी गई, इसका पैसा आ चुका है। ट्रेजरी से बिल पास हो जाने के बाद योजना जल्द शुरू कर दिया जाएगा। अब ध्यान सुनिएगा, अभी योजना शुरू भी नहीं हुई है लेकिन ये खबर में आ चुका है कि दिया जाएगा। लिखा गया है कि दिया जाएगा, अभी दिया नहीं जा रहा है क्योंकि अभी ट्रेजरी से इसका बिल पास होना बाकी है, लेकिन जब इसका बिल पास हो जाएगा तो पूर्णिया जिले के 15 परियोजनाओं में जो है 13,000 से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिलेगा और मंगलवार और गुरुवार को दूध देना होगा और बुधवार शुक्रवार को अंडा देना होगा। एक और चीज़ यहाँ पर स्पेशली लिखी गई है कि जो बच्चे अंडा नहीं खाते हैं उन्हें 60 ग्राम मूँगफली मिलेगा। यानी कुल मिलाकर विभाग ने इस प्रकार की व्यवस्था शुरू करने की प्रक्रिया अभी शुरू की है, अभी ऐसा नहीं है कि कल से ही आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर नज़दीक में मिलने लगेगा, ये चीज़ें आवंटन प्राप्त होने और सारी चीज़ें का प्रोसीजर होने के बाद ही शुरू होगी। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी मिली होगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।